जय महाराष्ट्र दोस्तों, मैं प्रश्न चक्र न्यूज का मुख्य संपादक अकबरी अंसारी। जिस तरह का मैं सभी अपने जितने मेरे मीडिया कर्मी यहाँ पे हैं, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि कम से कम जो लोग कहते थे कि गोंडी में पत्रकारिता की एकता नहीं, लेकिन अलहमदुल्ला आज वो सब पत्रकार यहाँ पे मौजूद है। कुछ लोग नहीं आ सके क्योंकि इलेक्शन का पीरियड चल रहा है, उसी संदर्भ में कुछ लोग नहीं आ सके, कोई बात नहीं। मैं सभी का यहाँ पे वापिस से एक बार धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप सभी को पता है जिस तरह किसी संदर्भ में मेरे साथ में क्या हुआ, सब वीडियो वायरल हुआ, कई लोगों ने न्यूज भी किया, उसी संदर्भ में आज मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने रखा था कि मेरे साथ में क्या घटना घटी। लगभग 6 मई को मैं कार्यकारी अभियंता संजय वाघमारे डीओ के ऊपर भी लगभग मैंने केस किया हुआ है, क्योंकि ये भी अपील की भी जवाब नहीं दिया इन्होंने, आरटीआई का भी कोई जवाब नहीं दिया। इसी संदर्भ में जब मैं अलका सलाने मैडम के पास में जाता हूँ 24 अप्रैल को, तो वो मुझे लिख के देती कि 10 से 12 दिन में आपका कुछ निवारण होगा। वो निवारण नहीं मिलने के बाद फिर मैं 6 मई को जब ऑफिस में जाता हूँ अलका जी से, ये 22 अप्रैल का मेरा पीजी उन्होंने लिख के दिया, सिग्नेचर है। 6 मई को मैं गया, इस संदर्भ में मुझे बात कर कि डीओ के ऊपर आपने क्या कार्रवाई की है। इस संदर्भ में जब मैं गया, जाने के बाद में लगभग दूसरा या तीसरा मेरा टोकन नंबर था और लगभग मुझे 1 से 1.5 घंटा वेट कराया गया। हो सकता कुछ उनका इश्यू हो, कोई बात नहीं, लेकिन ये होने के बाद मुझे लगभग 1.5 घंटे के बाद में अंदर बुलाया गया। अंदर बुलाने के बाद में पीजी मीटिंग में उनके कुछ ऑफिसर्स बैठे हुए थे, उन्होंने लाइट ऑफ कराई, टोटल लाइट्स ऑफ हुई, थोड़ा सा डीम रोशनी थी खिड़की वगैरह की, विंडो की ऑफ होने के बाद में वो एक डैश बोर्ड निकालती है, उसमें स्केच से लिखती है टाडा PMLA सडेशन एक्ट MRTP ऐसे कई एक मतलब 4-5 एक्ट वो अपने अधिकारी को बताती है कि ये पुलिस को पता है, लेकिन ये हमें भी पता होना चाहिए। मेरा ये कहने का सबसे बड़ा सवाल है, मैडम आपको ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मतलब पीजी में जो मीटिंग थी, पीजी मीटिंग में पब्लिक के लिए मीटिंग होती है, उसमें आपको ये सब कानून क्यों आपको बताना पड़ा। कहीं ना कहीं उनका पूरा इंटेंशन था मुझे भयभीत करने का, लेकिन अलहमदुल्ला मैं भयभीत नहीं हुआ, क्योंकि मैं वो सब चीज़ों की रिकॉर्डिंग रख रहा था। मुझे पता था कि मेरे साथ में कुछ भी हो सकता है, इसके लिए मैं पूरा रिकॉर्डिंग रखा था। उसके बाद में कुछ देर के बाद में मेरा ऐसा मानना है कि उनके द्वारा या उनके किसी अभियंता द्वारा राजू कोकनी उर्फ तौफीक वानू, जो उसका रियल नेम है, उसको राजू कोकनी के नाम से जानते हैं, मैंने सिर्फ उसका नाम सुना, मैंने उसको कभी देखा नहीं था, उसको फोन करके बुलाया जाता है पीजी में। ये 15-20 मिनट का ये टाड़ा और मौकों का ये सब चलने के बाद में लाइट्स ऑफ होती है, सब अधिकारी को भेज दिया जाता है, लगते 1 से 2 अधिकारी वहां रहते हैं, एक मैडम रहती है जो उनकी पर्सनल पी है जो फॉर्म वगैरह देती है। उसके बाद में ये होता है कि भाई अब सच सच बता तू कहाँ रहता है। मैडम अपना मोबाइल ऑन करती है, मेरी रिकॉर्डिंग लेती है, अब बोलती कैमरा ऑन करो, लाइट्स ऑन करो। मैं उनको जो भी जवाब देना मैं जवाब देता हूँ। जवाब देने के बाद में राजू कोकनी उस तौफीक वानू को बोलती है, ये राजू कोकनी कौन है, तुमको पता है, वो भी मुकरता है, ठीक है। वो काफी संसद में काफी 1-1.5 घंटे का ये डिस्कशन है, झगड़ा है, मतलब कई एक बातें होने के बाद में राजू कोकनी मुझसे पर्सनली कितने सवाल करता है, क्योंकि मुझे पता था कि इनके दिल में क्या है, वो मुझे जानना था। लगभग 15-20 मिनट तक मैं भी नहीं समझ पाया कि यही व्यक्ति राजू कोकनी है। जब मैं समझ गया था, मैं उसको बोल भी रहा कि राजू कोकनी क्या तुम ही हो, तो भी वो उगल रहा नहीं, लेकिन मुझे पता चला। ये होने के बाद में मेरे सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपको तो मतलब तुमने न्यूज चलाया, तुमने कैसा न्यूज चलाया, ना बोला मेरा काम है, कोई भी घटना घटती हम पत्रकारों का काम उसको दिखाना, ना मैंने तुम्हारा मेरा पर्सनल कुछ आज तक है, ना कुछ पर्सनल है, तो तुम मुझे यहाँ पे क्यों बोल रहे हो। उसका फिर ये बोलता है कि मैडम के चरणों में फूल चढ़ाओ, नारियल चढ़ाओ, कि ये हमको यहाँ पे गोंडी में रहने दे रहे हैं, ये अल्लाह भगवान से बढ़ के, ये इनका स्टेटमेंट है बाकायदा मेरे पास रिकॉर्डिंग है। अब ये अल्लाह भगवान से बढ़ के होंगे तो उनके लिए होंगे। मेरा ये सवाल है कि कोई भी अभियंता, कोई भी BMC ऑफिस, वो पब्लिक की प्रॉपर्टी है, पब्लिक जो भी जनता है, जनता अपनी टैक्स पे कर रही है, वो उनको पगार मिल रहा है, वो किस तरह का, क्या उन्होंने BMC ऑफिस को या किसी भी प्रकार के ऑफिस को एक टॉर्चर सेंटर बना दिया है। एक पत्रकार के साथ में, एक संपादक के साथ में जब ये दुर्व्यवहार हो सकता है, तो आप सोच सकते हो कि एक आम आदमी के साथ में क्या होता होगा। उन्होंने बहुत सी ऐसे बातें करी राजू कोकनी द्वारा, उसने भी मुझे बोला, ऐसा लग रहा था कि उसने टाइम में राजू कोकनी कोई बड़ा ऑफिसर है और अलका सजाने कुछ भी नहीं बोल रही है। तो ये बड़ा अपने आप में एक प्रश्न उठता है कि किस तरह पीजी में किसी दूसरे व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के द्वारा बात किया जाना चाहिए। इनका ये स्टेटमेंट है कि हम पूरे शिवाजी नगर को मैदान बना देंगे और हम अपनी BMC की भीड़ चौकी यहाँ बनाएंगे।
आपको अथॉरिटी आप बना सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे रह रहे जो टैक्स पे कर रहे हैं क्या उनका अधिकार नहीं है? एसआरए में भी उनको रूम आपको देना पड़ेगा कि ऐसे आप बना देंगे? दूसरी बात, राजू को अपनी कई एक बार बोला कि फोटो पास में आपको क्या लिखा रहता है कि आप यहाँ पे व्यक्तिगत रह रहे हैं, 100 रुपये आप जो दे रहे हैं वो यहाँ पे कचरा साफ सफाई के लिए दे रहे हैं, आपका यहाँ पे पर्सनल कुछ नहीं है। ठीक है, मेरा कहना यह था कि एक ही रूम को 2 साल में क्या बीएमसी द्वारा, कुछ भ्रष्ट अधिकारी द्वारा या पुलिस प्रशासन द्वारा या किसी भी नेता द्वारा बगैर मिली भगत के आज गोंडी में लगभग 70-80% इलीगल रूम बने हुए, एक ही रूम पे पर्सनली टारगेट किया जा रहा है, 2 साल में 5 से 6 टाइम तोड़ा जा रहा है और 5 लाख की डिमांड की जा रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, जो उस रूम के जो पीड़ित लोग हैं उन्होंने बाकायदा ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा है। तो मतलब एक ये रैकेट चल रहा है, मेरा ऐसा मानना है कि पूरा ये रैकेट चल रहा है कि पहले आप रूम बनाओ, हम रूम के कमीशन लेंगे आपसे, रूम बनने के बाद में इनके ही कुछ लोग को ये खड़ा कर रहे हैं और कंप्लेंट करवा रहे हैं, और रूम अगर जिसका जो पैसा दे दे रहा है उसका रूम नहीं टूट रहा, जो पैसा नहीं दे रहा उसके रूम पे हथौड़ा चल रहा है, आखिर क्यों? ये बहुत बड़ा अपने आप में प्रश्न उठता है और ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है। यानी गरीब आदमी एक अपना रूम बना रहा है, कितने लोग मतलब गरीब है, कितने लोग गरीब है, एक रूम बनने से आजू बाजू आमने सामने के रूम डैमेज होते हैं, लेकिन वो उनकी मजबूरी है कि वो हैवी डिपॉजिट पे लेके कर्जा लेके कुछ भी लेके अपना रूम बना रहे हैं। इल्लीगल बना रहे, ठीक है मैं मानता हूँ इस चीज़ को, इल्लीगल है, नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अगर वो बना रहे तो इस प्रकार का व्यवहार करना क्या दुरुस्त है? दूसरी बात, मैं गोंडी की जनता से खास करके अपील करना चाहूंगा कि उन्होंने बाकायदा बोला कि इलेक्शन के बाद में हम बताएंगे कि क्या होता है बीएमसी और क्या होता है कैसा क्या हथौड़ा चलता है। अब उन्होंने डराने के लिए कहा कि वाकई में उन लोग कुछ एक्शन करने वाले हैं तो आने वाले समय में आपको पता चलेगा, मुझे भी पता चलेगा, लेकिन मैं जनता से एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग ने इल्लीगल बनाए ठीक है, मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैडम से ये भी मैंने निवेदन किया कि मैडम जो बन चुका है उस पर हथौड़ा ना चलाया जाए, बल्कि जो बनने वाला है उस पर रोकथाम की जाए ताकि दूसरा रूम ना बने। और मैं जनता से भी अपील करना चाहूंगा, खासकर एम एस वार्ड में, कि आप लोग कुछ भी इल्लीगल ऐसा काम ना करें, क्योंकि आप पे हथौड़ा चल रहा है और ये आपको ब्लैकमेल उसी वजह से कर रहे हैं, 10x15 का रूम बोल के हाइट बढ़ा के ये उसी का कर रहे हैं, और उनके जो गुर्गे हैं बाकायदा वो कानून को तोड़ मरोड़ के यूज किया जा रहा है, बाकायदा उन पर पेटिशन डाला जा रहा है, कोर्ट में केस डाला जा रहा है, क्यों? तो आज मेरे साथ में घटना घटी है, मैं भी बहुत 2 दिन तक या 3 दिन तक बहुत डिप्रेशन में था, मेरे को समझ में नहीं आता कि मैं आत्महत्या करूँ या कहीं गोंडी मेरे परिवार के साथ चले जाऊँ, लेकिन कुछ लोगों ने, काफ़ी समाज सेवक लोगों ने, काफ़ी सोशल वर्करों ने, एडवोकेट्स की टीम ने, कई लोगों ने मेरा मुझे सहारा दिया, मुझे कई लोगों ने समझाया, तो आज मेरे में हिम्मत आई है, आज मैं यहाँ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले भी कई वीडियो मैंने किया हूँ। तो मैं सभी साथियों का और सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा, चाहे वो गोंडी सिटीजन फर्म हो, SMS संघर्ष समिति, हटाओ समिति हो, और जितने भी NGO है, जितने भी सोशल वर्कर, मेरे जितने पत्रकार भाई, मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस विषय में मैं बाकायदा कंप्लेंट डालूँ, मैं आगे फॉलोमेंट चल रहा हूँ, और मेरे न्यूज़ दिखाने के बाद में लगभग कई लोग जो पीड़ित थे उन लोगों ने मुझे पेपर दिया है, ये इतना पेपर मेरे पास जमा है, और कुछ लोग मुझे देने वाले, तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि ये मैं सड़क से लेकर कोर्ट तक के मैं मैटर लेके जाऊंगा, जरूरत पड़ी तो मैं राइट पिटिशन डालूंगा, और अगर जरूरत पड़ती तो PI भी डालूंगा, और मैं उन लोगों को एक चेतावनी देना चाहता हूं कि वो इस मैटर से दूर रहे, जो कुछ दलाल है, चाहे वो नेता हो या वो पत्रकार हो या वो कोई भी बड़ा भाई हो, मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि उस मैटर में अगर वो मुझे समझाना चाहते हैं तो जो समझाने का तरीका उस प्रकार समझाए, ना कि मुझे धमकी दे। मैं एकदम चेतावनी खुली दे रहा हूँ, खुले मन से मैं चेतावनी आप लोग को दे रहा हूँ कि मुझे मत डराया जाए, मैं एक पत्रकार हूँ, अगर मैं डरने वाला व्यक्ति होता तो मैं पत्रकारिता नहीं करता, इसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ। और इस विषय पे ये सभी लोग का, आप जनता की सोचो, आज अगर रूम पे डेमोलिशन होता है टूटेगा, हाईकोर्ट ने ऑलरेडी परमिशन दे चुका, पहले भी हथौड़ा चलने आया था यहाँ पे लेकिन नहीं चल सका, तो आप लोग सहयोग करो जनता का। आपसे कुछ सवाल करना तो आप कर सकते सवाल, मैं यही कहूंगा कि कई लोगों ने बाहर से भी, कई लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह गोंडी में आके न्यूज़ किया, लोगों को जागर किया, उनका भी यही कहना है कि यहाँ की जो पत्रकार है उनमें एकता ही नहीं है, और ये बात हकीकत है, तो मैं ये चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो एकता ही लाए, वो एकता ही लाए किसी भी पत्रकार के बच्चा, वो गुनहगार है या वो गुनहगार नहीं है, यह कोर्ट में साबित होगा, वो एक प्लेटफॉर्म पर आके इस पे विरोध करे, चाहे वो पुलिस स्टेशन का मामला हो या BMC का मामला हो या कहीं का भी मामला हो। अकबर अली जी, आपको धमकी देने का कारण क्या था? आप BMC में गए थे, BMC में आपने किस कंप्लेंट का निवारण लेने पहुंचे थे और किस मसले पर आपको धमकी दी गई? मैंने DO के ऊपर जो अपना संजय वाघ मारे है, इनका यह कहना है कि मैं यहाँ का स्थानिक नहीं हूँ। जब पहले मैंने कंप्लेंट डाला, कंप्लेंट में मैंने RTI डाला कि इसका क्या निवारण हुआ, उसका नहीं मिला, मैंने फर्स्ट अपील डाला, फर्स्ट अपील के बाद मेरी सेकेंड अपील की तैयारी थी, तो इन्होंने मुझे बुलाया अपने केबिन में
और केबिन में बुलाने के बाद में दो तीन अधिकारी थे वहां का सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब कुछ है, उनका यह कहना है कि आप मतलब पीड़ित नहीं हो, मतलब जो किसी भी चीज से मतलब डायरेक्ट आप रिलेटेड नहीं हो। मैंने कहा ठीक है, और आप यहाँ के रहवासी नहीं हो, आपका एड्रेस मुंबई का लिखा पल्टन रोड का, ये मेरी ऑफिस का एड्रेस है लेटर हेड पे वहां के, तो मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि मैं एक भारतीय नहीं हूँ, मैं भारत के किसी भी शहर में किसी भी कोने में रहूंगा, ये मुझे भारत सरकार ने मुझे आरएनआई नंबर दिया है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में मैं कहीं भी कार्य कर सकता हूँ। संजय वाघ मारे डीओ एम इस वार्ड के किस अधिकार से मुझसे पूछ सकते कि मैं यहाँ का रहवासी नहीं हूँ? मैंने कहा कि आप साबित करो कि मैं यहाँ का रहवासी नहीं हूँ, और मैं साबित करूँगा मैं यहाँ का रहवासी हूँ। मैंने उस संदर्भ में कंप्लेंट वगैरह किया हूँ, चाहे वो ह्यूमन राइट्स हो, नेशनल ह्यूमन राइट्स हो, सब जगह मैंने किया हूँ, उनका पत्र व्यवहार मेरा चालू है। उस विषय में मैं गया था अलका जी से, क्योंकि वो वार्ड ऑफिसर है, उस विषय में वो क्या लिख के थे मुझे वो जानना था। तो इस प्रकार का मुझे डराया धमकाया गया, क्योंकि मैं हमेशा से, चाहे वो बीएमसी का कई एक पोल खोल मैंने किया है, चाहे वो ब्यूटिफिकेशन के नाम पे हो, चाहे गटर के नाम पे हो, चाहे रोड के नाम पे हो, और पर्सनल इन लोग अपने जो ऑफिस इनका टाइम होता है वो टाइम पे ये बिरयानी पार्टियां करते हैं, वो भी मैंने लाइव में दिखाया है। तो कहीं ना कहीं इनका पर्सनल इंटेंशन है मुझ पर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा कर्तव्य है, मैं दिखाऊंगा और आगे भी मैं दिखाऊंगा। जी क्या मांगे अभी आपकी? मैं यही मांग करता हूँ कि जिस तरह भी मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ है, मैं चाहता हूँ कि इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। अगर मैं इसमें गुनहगार हूँ तो जो कानून का संविधान कहता है वो मुझ पर जरूर कार्रवाई हो, लेकिन इसमें जो भी लिप्त लोग हैं उन पर भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि उनके पास पावर है, पैसा है, वो सत्ता में बैठे। अब मेरा जो मेरी लड़ाई है ये सिस्टम से मेरी लड़ाई है, तो मैं जनता से, खास करके गोंडी की जनता से काफ़ी मुझे समर्थन है लोगों का, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा ये लड़ाई में मेरा साथ दे। कहीं ना कहीं अधिकारियों की भी कमाई की जाँच किया जाना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आने वाले समय में जब हम राइट प्रेजेंट डालेंगे तो हम ये मांग भी करेंगे कि इनके पास में कितने इनके ऊपर केसेस बने हैं, कितने इनके ऊपर कार्रवाई हुई है, इनका फोन रिकॉर्ड सीधी पूरा चेक किया जाए और इनकी प्रॉपर्टी की पूरा सीट द्वारा जांच की जाए, बिल्कुल हम मांग करेंगे। बिल्डिंग फैक्ट्री डिपार्टमेंट जो एम ईस्ट वार्ड का बिल्डिंग फैक्ट्री डिपार्टमेंट है, क्या उसके अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके रहते हुए जो इतने बड़े बड़े इलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हुए, क्या बिल्डिंग फैक्ट्री डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है, जो एई और जेई जो है सारे ही वार्ड के, क्या उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्या उनके सस्पेंशन की मांग की जानी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये जब इलीगल एक दो दिन में, एक दो साल में नहीं बना है, कई साल में ये इलीगल जो भी बना है, तो इसमें अगर तुम भेद तोड़ रहे हो तो कहीं ना कहीं उस टाइम के अधिकारी, चाहे वो पुलिस प्रशासन के हो या बीएमसी वार्ड के हो, उन पर भी जरूर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके संरक्षण से ये बड़ा है ना। आज भी कई एक लोग अपना निवारण लेके जाते हैं अपनी समस्या का, लेकिन उनका निवारण नहीं होता है, तो बिल्कुल उनके भी नकल करना चाहिए, उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। मैं अपनी बात यही खत्म कर सकता हूँ, मैं अपनी बात यही खत्म करता हूँ। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।